हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं चैनल डाउट हट। आज मैं आपको करवाऊंगा चैप्टर 10 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, चैप्टर 10 के वो सभी क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हम इस एक वीडियो के अंदर इस चैप्टर के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर है 12 सेंटीमीटर। पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें इस पी क्यू की लंबाई ज्ञात करनी है। एक वृत्त दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। ओ पी हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। बिंदु पी के ऊपर एक स्पर्श रेखा है पी क्यू जो इस ओ से जाने वाली रेखा को बिंदु क्यू पर मिलती है, और ओ क्यू 12 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। हमें पी क्यू की लंबाई बतानी है कि क्या होगी। यहाँ पर ओ वृत्त का केंद्र है और पी इस वृत्त का स्पर्श बिंदु है। हमने केंद्र को स्पर्श बिंदु से मिलाया है, तो केंद्र को स्पर्श बिंदु से मिलाने वाली जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होती है। तो ओ पी है वो इस पी क्यू के ऊपर स्पर्श रेखा के ऊपर क्या होगी, लंब होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल है, जो कोण है, ओ पी क्या होगा, 90 डिग्री का त्रिभुज ओ पी क्यू में इस त्रिभुज के अंदर कोण पी बराबर है 90 डिग्री, प्रमेय 10.1 द्वारा। प्रमेय 10.1 क्या कहती है कि अगर स्पर्श बिंदु को मिला जाए वृत्त के केंद्र से तो जो त्रिज्या आएगी वो स्पर्श रेखा के ऊपर क्या होगी, लंब होगी। तो कोण पी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। त्रिभुज ओ पी क्या हो, एक समकोण त्रिभुज हो जाएगी, इसलिए त्रिभुज ओ पी क्यू एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर होगा आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। तो यहां से हमारे पास ये कोण 90 डिग्री का, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण। ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो कर्ण का वर्ग 12 का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, आधार हो गया हमारा पी क्यू जमा लंब, लंब है ओपी, ओपी का वर्ग। यहां पर हम एक बार कर्ण को 12 की बजाय लिख लेते हैं ओ क्यू, इसकी वैल्यू आगे रख देंगे ओ क्यू का वर्ग। अब इसका मान रखेंगे, ओ क्यू है 12, 12 का वर्ग बराबर पी क्यू, पी क्यू हमें मालूम करना है, जमा ओ पी, ओ पी है 5 का वर्ग। इसको आगे हल करेंगे, 144 बराबर पी क्यू का वर्ग जमा 25, और यहाँ से हमारे पास पी क्यू का वर्ग हो जाएगा 144 घटा 25। ये कहें कि पी क्यू वर्ग बराबर 144 में से घटाएंगे 25, ये हमारे पास आएगा 119, और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा पी क्यू बराबर 119 वर्गमूल। दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो पी क्यू बराबर हो जाएगा वर्गमूल 119 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर होगा। हमने पी क्यू की लंबाई बता दी, पी क्यू बराबर होगा वर्गमूल 119 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिंदु क्यू से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। ये एक वृत्त है, इसकी इस बिंदु क्यू से स्पर्श रेखा खींची हमने, इसकी लंबाई है 24 सेंटीमीटर। इसको हमने बिंदु P मान लिया यहाँ पर, ये स्पर्श बिंदु है P। तथा क्यू की केंद्र से दूरी, इसी बिंदु क्यू की इस केंद्र O से दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमें वृत्त की त्रिज्या OP ज्ञात करनी है कि OP की लंबाई क्या होगी। ये जो कोण होगा हमारे पास, कोण ओ पी क्यू बराबर है 90 डिग्री, प्रमेय 10.1 द्वारा। त्रिभुज
ओ क्यू में। जब ये कोण 90 डिग्री का है तो त्रिभुज पी ओ क्यू एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में हम कह सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय से हम कह सकते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। तो यहाँ पर हमारे पास कर्ण हो जाएगा ओ क्यू, 90 के सामने वाली भुजा होती कर्ण, ओ क्यू का वर्ग बराबर आधार का वर्ग पी क्यू का वर्ग जमा लंब, लंब मान लिया हमने ओ पी, ओ पी का वर्ग, ओ क्यू का मान दे रखे हमें 25, 25 का वर्ग बराबर पी क्यू 24 जमा ओ पी का वर्ग। यहाँ से 25 का वर्ग होगा 625 बराबर 24 का वर्ग 576 जमा ओ पी का वर्ग, या ये कह सकते हैं कि ओ पी का वर्ग बराबर 625 घटा 576 और ये हो जाएगा 49। ओ पी बराबर, ओ पी का वर्ग बराबर है 49, 49 को हम लिख सकते हैं 7 का वर्ग, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर ओ पी बराबर 7 सेंटीमीटर, और ये हमारा आंसर होगा। तो ओपी की जो लंबाई, त्रिज्या की जो लंबाई है वो हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन है, आकृति में यदि टी पी टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, ये टी पी और टी क्यू दो स्पर्श रेखा हैं, इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू, ये जो कोण है जो केंद्र पे बन रहा है वो कितने का, 110 डिग्री का, तो कोण पी टी क्यू ज्ञात कीजिए, इसका मान क्या होगा, ये कोण कि टी के ऊपर कोण कितने का बनेगा वो कोण हमें बताना है। आकृति के अंदर अगर देखें हम तो ये कोण पी कितने का होगा, 90 डिग्री का, प्रमेय 10.1 के द्वारा, क्योंकि वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, तो ये कोण 90 डिग्री का, इसी प्रकार ये कोण भी 90 डिग्री का, क्यों, क्योंकि टी क्या होगी एक स्पर्श रेखा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोण पी बराबर 90 डिग्री, इसी प्रकार कोण क्यू बराबर 90 डिग्री, प्रमेय 10.1 द्वारा। अब हमारे पास जो पी ओ क्यू टी एक चतुर्भुज है, क्यू टी एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ होता है 360, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण पी जमा कोण ओ जमा कोण क्यू जमा कोण टी बराबर 360 डिग्री, चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 होता है। पी का मान है 90 डिग्री, ओ है 110 डिग्री, सभी के मान रखेंगे हम, क्यू 90 डिग्री जमा टी, टी कहें या फिर पी टी क्यू कहें एक ही बात है, बराबर 360 डिग्री। यहां से हमारे पास हो जाएगा 110 और 90 200 और 90 290, 290 डिग्री जमा कोण टी बराबर 360, या ये कहें कि कोण टी बराबर है 360 घटा 290 डिग्री बराबर 70 डिग्री, कोण टी या कोण पी टी क्यू बराबर 70 डिग्री, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, ये वृत्त हमारे पास का केंद्र है O, बिंदु P से इसके ऊपर दो स्पर्श रेखाएं PA और PB, और ये दोनों स्पर्श रेखाएं 80 के कोण पर झुकी हुई है, यानी कि दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण है 80 डिग्री APB कोण, तो कोण POA का मान क्या होगा, हमें कोण POA का मान बताना है कितना होगा। अब देखो यहाँ पर ये कोण पूरा दे रखे हमें 80 डिग्री का, अगर हमें ये मालूम पड़ जाए कि ये जो कोण है ए पी ओ ये वाला कोण कितने का है, तो हम आराम से बता सकते हैं कि ये कोण कितने का होगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक कोण यहाँ पर ये मालूम है ये कितने का है, 90 डिग्री का, परमेय 10.1 द्वारा ये कोण हो जाएगा 90 का, और हमें इस त्रिभुज में अगर ये कोण मालूम पड़ जाए ए पी ओ तो हम बता सकते हैं कि ये कोण कितने का होगा। तो हमें पहले इस कोण को मालूम करना पड़ेगा, जबकि हमें पूरा कोण दे रखा है ए पी बी 80 डिग्री का,
इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दो त्रिभुजों को सर्वांगक्षम सिद्ध करेंगे, फिर हमारे पास ये कोण आ जाएगा। तो त्रिभुज लेते हैं हम पहले, त्रिभुज ए पी ओ, वह त्रिभुज बी पी ओ, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए इनके अंदर कौन कौन से भाग बराबर हैं। एक तो हम कह सकते हैं कि पी ए बराबर पी बी, क्यों, क्योंकि दोनों के यहाँ स्पर्श रेखाएं हैं, एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी, प्रमेय 10.2 के द्वारा कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो बिंदु पी से हमने दो स्पर्श रेखा खींची है तो दोनों की लंबाई क्या आएगी, बराबर। इसी प्रकार पीओ बराबर ओपी या पीओ उभयनिष्ठ, ये जो भुजा है ये दोनों में क्या है, कॉमन है। तीसरा, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोण ये ए और ये कोण बी दोनों क्या है, बराबर, क्योंकि ये कोण भी 90 का और ये भी 90 का है, परमेय 10.1 द्वारा। तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर 90 डिग्री, परमेय 10.1 से। यहाँ से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए पी ओ सर्वांगक्षम त्रिभुज बी पी ओ, किसके द्वारा, भुजा कोण भुजा एस ए एस द्वारा, साइड एंगल साइड, जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगक्षम है तो उनके संबंध भाग भी क्या होंगे, बराबर। यहाँ से हम कह सकते हैं कि कोण ए पी ओ बराबर होगा बी पी ओ, ये कोण और ये कोण दोनों क्या होंगे, बराबर। इसलिए कोण ए पी ओ बराबर कोण बी पी ओ बाय सी पी सी टी, या सर्वांगक्षम त्रिभुजों के संगत भाग। हमारे पास ये जो पूरा कोण है ये 80 डिग्री का है और ये दोनों कोण क्या है, बराबर, इन दोनों कोणों से मिलकर ये पूरा कोण बना है। तो एक कोण कितने का हो जाएगा, 40 डिग्री का, कोण ए पी ओ बराबर होगा 80/2, 40 डिग्री, ये कोण हमारे पास आ गया 40 डिग्री का। अब त्रिभुज लेंगे हम, त्रिभुज ए पी ओ में ये कोण 40 डिग्री का, ये कोण 90 डिग्री का, कोण ए जमा कोण ओ जमा कोण ए पी ओ, तीनों कोणों का जोड़ बराबर होगा 180 डिग्री। यहां से मान रखेंगे कोण ए 90 डिग्री जमा कोण ओ, कोण ओ या ये कहें कि कोण ए ओ पी या पी ओ ए, एक ही बात है, कोण पी ओ ए जमा ए पी ओ, ए पी ओ कोण है 40 डिग्री का, बराबर 180 डिग्री। और यहाँ से हमारे पास कोण पी ओ ए बराबर हो जाएगा 90 और 40, 130, 180 घटा 130 डिग्री बराबर 50 डिग्री, यही हमारा आंसर होगा। तो कोण पी ओ ए बराबर हो जाएगा 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिद्ध कीजिए कि किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ये हमारे पास एक वृत्त है जिसका केंद्र है O, ये हमने लिया एक व्यास, ये यहाँ पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, ये मान लो बिंदु P है स्पर्श बिंदु और ये है इसका स्पर्श बिंदु है Q, P और Q। हमें क्या सिद्ध करना है इसके अंदर कि ये दो जो स्पर्श रेखाएं हैं आपस में क्या है, समानांतर है, ये हमें सिद्ध करना है। एक कोण यहां बनेगा और एक कोण यहां बनेगा, अब क्योंकि ओ वृत्त का केंद्र है तो ओपी क्या होगी, त्रिज्या होगी, क्योंकि व्यास होता है वो हमेशा केंद्र से गुजरता है, तो ओपी यहां पर त्रिज्या है और पी एक स्पर्श बिंदु है। हमने प्रमेय 10.1 में पढ़ा था कि स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है,
तो ये हमारे पास एक स्पर्श रेखा है, तो ये इसके ऊपर क्या होगी लंब, ये कोण 90 का हो जाएगा। इसी प्रकार ये कोण भी कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का, कोण एक और ये कोण हमने मान लिया दो। कोण एक बराबर होगा 90 डिग्री, प्रमेय 10.1 से, इसी प्रकार कोण दो बराबर 90 डिग्री, प्रमेय 10.1 से, क्योंकि यहां पर भी ये क्या है एक स्पर्श रेखा है, और क्या वो एक स्पर्श बिंदु है, तो स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है लंब होती है। तो कोण दो भी कितने का हो जाएगा 90 डिग्री का, कोण एक भी 90 डिग्री का, कोण दो भी 90 डिग्री का। इन दोनों से हम क्या कह सकते हैं कि कोण एक बराबर कोण दो, कोण एक और कोण दो क्या हो गए बराबर, परंतु ये कौन से कोण है एकांतर कोण, परंतु कोण एक और दो एकांतर कोण है। और एकांतर कोण बराबर तभी होते हैं जब रेखाएं क्या हों समानांतर हों। कोण एक और दो बराबर हैं, जैसे हमारे पास मान लो ये दो रेखाएं और इस तरह से कोई रेखा इसको काट रही है, तो ये कोण और ये कोण कौन से हैं एकांतर कोण। तो एकांतर कोण बराबर तभी होंगे जब ये दोनों रेखाएं क्या होंगी समानांतर। तो यहाँ पर ये दोनों कोण क्या है बराबर, तो ये एकांतर कोण है, और एकांतर कोण बराबर तभी होते हैं जब रेखाएं क्या हों समानांतर हो। तुम यहां से कह सकते हैं कि ये दोनों जो स्पर्श रेखाएं हैं वो समानांतर है, अतः दोनों स्पर्श रेखाएं समानांतर होंगी। तुमने सिद्ध कर दिया यहां पर कि दोनों स्पर्श रेखाएं क्या हैं समानांतर हैं।